सो वेलकम बैक गाइस, हम आ गए हैं अपनी MotoGP 2021 खेलने। Moto 3 का करियर हमारा स्टार्ट है और हमारी नेक्स्ट रेस देखते हैं कहां पे है। इट्स टीटी असेन जो भी बोलते हैं इसे, टीटी असेन नीदरलैंड्स में है। बारिश का मौसम दिख रहा है पहले यहां पे, बारिश की आशंकाएं जताई जा रही है। आशंकाएं नहीं है, सही में बारिश होने वाली है। तो देखते हैं ट्रैक कितना सही जचता है अपन को। ये अच्छा वो वाला ट्रैक है। Q1 के लिए हेड ऑन करते हैं डायरेक्ट फ्लाइंग स्टार्ट से। ठीक है, ये सर्किट मैं पहले बता दूं मुझे बहुत पसंद है, मतलब सबसे ज्यादा यही पसंद है। इसमें लास्ट में अभी तुम्हें दिख जाएगा क्यों, इस चीज की वजह से। बस ये देखना ये, और ये इनवैलिड लैप हो चुका है वैसे तो, बट इस वजह से। ठीक है, मैं फिर से रीस्टार्ट फ्लाइंग लैप कर लूं, टाइम नहीं है ज्यादा। 153 तो इसी को हमें लेते हुए चलना है, 153 से ज्यादा करना है। लेट्स स्टार्ट। और क्या Q1 हम टॉप कर पाएंगे? अगर 151 हो गया, ऐसा कुछ हो गया ना, तो ये नहीं पकड़ पाएंगे फिर भाई। और मुझे इनवैलिड लैप मिल चुका है, ये कोई फायदा नहीं, फिर से करते हैं। यार मैं पूरा दिखा दूंगा इसको कैसा असर कटे ये पक्का, बट एक बार मेरे को वैसे करने दो। इस बार पक्का पूरा, और हम फास्टेस्ट लैप भी करेंगे इस बार, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, मैं बोल ही नहीं रहा कुछ भाई, कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट कॉर्नर, सर्किट देखना भाई बहुत ऐसे, मतलब छोटा सा है, छोटा नहीं मतलब वैसे बोल सकते हो तुम, विड्थ में काफी पतला है, तो तभी सेक्सी है सर्किट। और ये इसका स्लोवेस्ट कर रहा है, स्लोवेस्ट। हम बहुत ज्यादा स्लो थे, पर इतना स्लो भी नहीं है। तो 153 और हम 300 टाइम, 310th टाइम हम स्लो हैं भाई टॉप बंदे से। इनवैलिड हो चुका है लैप, मैं पूरा कर रहा हूँ फिर भी। इसके बाद लास्ट टाइम आउट होगा मेरे ख्याल से ना, और फ्यूल की कमी की वजह से मुझे जाना पड़ेगा रिटर्न टू पिट। और We are last. ये गलत हो गया, ये कुछ ज्यादा ही गलत हो गया। मैं ध्यान नहीं दिया पेट्रोल पे पहले, ये गलती बार बार मुझे बहुत कॉस्ट कर रही है भाई। मैंने टायर कौन से लिए, एक मिनट। हाँ यही वाले चाहिए। पांच तरह के आ रहे हैं, क्या सीन है इसमें, सब कुछ सेम तो है इनका जो भी है। ठीक है, फ्यूल हमारा पूरा है। गो टू ट्रैक करते हैं, रेस ऑब्जेक्टिव 10th है, पता नहीं। तो DutchGP हो चुकी है स्टार्ट, और हम हैं रेस डे पे, ट्रैक है गीला, और हमें लास्ट पोजीशन मिली है क्वालिफाइंग में सबसे गंदा करने के बाद। मतलब गलती तो मेरी है, मैंने फ्यूल ही चेक नहीं किया कि हमारी बाइक में पूरा फ्यूल ही नहीं है, और जब तक चेक किया तब तक हम लेट हो चुके थे।
तो अब कोशिश है कि भाई बिना टकराए बिना गिरे इनसे हम आगे निकले और मेरे को मिल गई ट्रैक लिमिट्स, तो ज्यादा ही ओवर स्पीड हो गई थी, मुझसे संभली भी नहीं वो भाई, इतनी ज्यादा तेज थी वो। मैं पता धीरे धीरे चले रहा और मेरे को लग रहा है मैं गिरूंगा इधर, तो हम गिर चुके हैं महंगे होंगे उनसे, क्या बताऊं मैं। तो हम हैं कौन से 19 पोजीशन पे, अभी भी इतने पीछे नहीं हैं हम 29 से आए हैं, हम 18 पे हैं। और अगर अब मैं ना गिरूं तो ओके, ट्रैक लिमिट्स नहीं मिली, बच गए, मुझे लगा था मिल गई बट ठीक है। तो कोशिश करते हैं इनको पकड़ने की, वो जा रहे हैं सारे आगे, ट्रैक है गीला गीला, तो मुझे नहीं पता कि मैं इनको पकड़ भी पाऊंगा अब कि नहीं, क्योंकि इजी नहीं होने वाला। तो लग तो रहा है पकड़ लूंगा बट देखते हैं, पहले तो इसको पकड़ो, ये साथी मुझे लग रहा है यही टकराया था मेरे साथ। तो मैंने ओह शिट, दो पांच गिरने के बाद, और देखते हैं हम उनको पकड़ पाते हैं कि नहीं। मैंने अभी पावर 3 पे रखा है, मैं जरूरत से ज्यादा फ्यूल यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पकड़ना है कुछ बंदों को जो मेरे आगे चल रहे हैं अभी, और वो हमें फ्रेम में दिखने लग गया। अच्छी बात, ओ शिट मैन, मैं फिर से वाइड हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा ही वाइड था बट मुझे पैनल वार्निंग नहीं मिली, और हमारे वाइड होने की वजह से कई लोग आ गए थे अभी, देख रहे हो तुम ये। तो हम वाइड है तो आगे वाले जरूर हमसे दूरी बनाए होंगे थोड़ी सी, उसको मैं कवर कर लूं। हाँ मैं 16 पे ना 10 की कोशिश करता हूँ भाई, मैं और कुछ नहीं कर सकता इसमें गिरने के बाद। मेरा फेवरेट ट्रैक था, मेरे इरादे कुछ और थे बट अब नहीं हो सकता वो काम शायद, लग रहा है मुझे 3 लैप्स हो चुके होंगे इसके बाद एंड हम काफ़ी लेट हो चुके हैं उस काम के लिए अब, और वो नहीं पकड़े जाएगा आगे वाला बंदा, और हम पावर 3 पे नहीं चल सकते हैं। मैं जो बहुत स्लो है भाई, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा स्लो हूँ मैं, बट स्टिल हमारा फास्टेस्ट लैप है, तो क्या मैं कुछ कर पाऊंगा फास्टेस्ट लैप के बाद भी। मैंने बहुत ज्यादा फ्यूल यूज कर लिया है, तो मैं जा रहा हूँ पावर 1 पे, मैं आऊंगा फिर से पावर 3 पे स्ट्रेट में, बट मुझे भी कोई दिख नहीं रहा ऐसा कि मुझे जरूरत है पावर 3 की। एंड यहाँ हम पकड़ेंगे इसको पावर 3 पे, मैं फिर से मूव कर रहा हूँ, लेट्स होप कि हम किसी को पकड़ पाए। तो लीडर काफी आगे जाता हूँ दिखाई दे रहा है मुझे, तो अलग ही तुम्हें शायद दिखाई दे रहा हो। मैं फिर से पावर 1 पे चला गया हूँ क्योंकि बैंड्स आ चुके हैं जो कि लाइक जरूरत नहीं है मेरे पावर 3 की। एंड स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग लाइक मार्क मार्केस,
देखो 10 पोजीशन भी बड़ी होगी अभी तो वो गिरने के बाद वो स्टार्टिंग गिरने के बाद इस ट्रैक पे क्योंकि एक तो है ये वेट ऊपर से दिक्कत ये है कि ये है फास्ट ट्रैक और फास्ट ट्रैक में भाई सभी फास्ट है मैं ही नहीं हूँ सिर्फ वो हो सकता था स्टार्टिंग में बट मैं गिर गया वो एक बार लीड आ जानी थी ना फिर वो दिक्कत ही नहीं आने थी कोई ऐसी वाली तो we are heading here to the net. अलग से स्वीपिंग लाइन निकली है हमारी हम गिरने वाले थे हम वाइड हो चुके हैं और ये नहीं होगा एक्सेप्टेड इधर 152 अगेन फास्टेस्ट और सब में ही बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ मैं बट स्टिल ये वर्क नहीं करने वाला हम फोर्थ लैप पे निकल चुके हैं उसके बाद दो लैप्स रह रहे हैं आई डोंट नो अगर ये काम भी करेगा तो वी आर स्लो होना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि हम वाइड हैं ओके हम गिरने वाले थे बट हम पकड़ रहे हैं इनको इतना तो दिख गया मुझे अभी देखो टेंथ की कोशिश है बस बाकी देखते हैं स्टिल हैव लैप्स काफी ज्यादा हम आ गए हैं पावर वन पे फिर से और ये गिराएगा मुझे फील्स आ रहा है तो मैं कर रहा हूँ अपनी बाइक अलग इससे तो क्या हम कुछ कर पाएंगे अभी भी आई डोंट नो बट कोशिश करते हैं देखो प्लेयर वन तो निकल गया अपनी अलग ही उसमें यात्रा में ठीक है हज यात्रा में बट हम पोडियम पे आ सकते हैं आई थिंक कोशिश पोडियम की है मेरी अब क्योंकि हम आ गए हैं अपनी पोजीशन पे जहाँ मुझे आना था बिना गिरे अब मैं कोशिश करूँगा पोडियम पे आने की ठीक है और भाई ये बहुत ही ज़्यादा देखो अब है लास्ट कॉर्नर की बात मुझे कोई तंग ना करे मैं कोशिश यही रखूँगा कि मैं भी किसी तंग ना हूँ और कोई मुझे भी तंग ना करे हम लेट हैं बट टू लैप्स बाकी हैं दो लैप्स और मुझे लग रहा है कि मैं किसी के पीछे वाले या आगे वाले टायर के साथ ना ही टकराऊं अभी तो ज़्यादा अच्छा है और इस हिसाब से टकरा जाऊंगा मैं काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट किया मैंने ये वाला कर्व इस बार मतलब रियल वाले की तरह क्योंकि ये एक ओवरटेकिंग जोन है यहाँ पे अब हमें पकड़ना है लीडर को फर्स्ट में गिरने के बाद वी आर ऑन सेकंड पोजीशन अब अगर मैं गलती ना करूं और लीडर को पकड़ने की कोशिश करूं तो शायद पकड़ा जाए वो क्योंकि ही इज़ नॉट फास्ट इनफ दिख रहा है तुम्हें हमारे फास्ट लैप टाइम्स हमें पे ऑफ कर रहे हैं अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट पीछे वाले अभी आसपास नहीं दिख रहे हैं और कोशिश अब ये करनी है मेन मुझे कि वो जो लास्ट कॉर्नर है उसे ढंग से एग्जीक्यूट करूँ मैं हर बार मतलब हर बार क्या अब तो दो बार ही रह गई है इन दो बार में अगर ये ढंग से एग्जीक्यूट हुआ तो हम जीतेंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ आई एम यूजिंग द पावर 3 मुझे नहीं पता मेरे पास लास्ट में भाई पेट्रोल रहने वाला या नहीं आई एम जस्ट यूजिंग इट क्यों क्योंकि ये फास्ट है और यहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैंने थोड़ा गैप बनाया जानबूझ के क्योंकि मुझे पता था मैं टकराने ही वाला था उससे बस वी आर टेकिंग द इनर लाइन एंड भाई गिरा दिया था बच गया हूँ मैं गिरा दिया था उसने मुझे लिटरली गिरा दिया था उसने मुझे हाँ देख ले तू मैं ही आ रहा हूँ पीछे अब बाइक उठ गई थी तुमने देखा यार क्या सीन है ये और वार्निंग 3 वार्निंग ओ भाई मेरी हार्ट बीट क्या अपन लोग ये कर पाएंगे एक पिछली रेस में अपन से हो गया है उस बंदे ने हमें लास्ट कॉर्नर पे पीछे कर दिया था तो लेट्स सी इस बार होता है कुछ कि नहीं 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 नहीं
भाई मुझे नहीं पता मेरा फ्यूल टिकेगा कि नहीं, बट मैं पावर थ्री पे जा रहा हूँ, ठीक है, इट्स अ रिस्क, मुझे नहीं पता, बट इसको पीछे कटना ही पड़ेगा अभी, लास्ट में होने से रहा ये मुझसे, फिर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं पावर वन पे आ गया हूँ उसको पीछे करते ही, और भाई 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 अब नहीं तो मैं पीछे हो जाऊंगा उसको पीछे करने के बावजूद भी, ये गलती नहीं चलेगी। फक भाई मेरी हार्ट बीट इतनी तेज की हो रही है, रियल रेस नहीं है ये, आई कैन फील द प्रेशर, अब मेरे हाथ में स्वेट हो चुका है पूरा, मैं गलती नहीं कर सकता, गलती होते ही मुझे पेनल्टी मिल जाएगी अब, ठीक है, ऐसे तो एक वो था ना कि हाँ भाई चौथी मिली, अभी पांचवी मिलेगी ऐसा कुछ, पर अब नहीं, अब गलती हुई तो मेरे को पेनल्टी मिल जाएगी और वो नहीं चाहिए, पूरी मेहनत पे वो फिर जाएगा मतलब पानी। भाई मेरा हाथ कहाँ पर है यार, मैं कैसे ना करूँ गलती, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं स्लो हो गया इधर, और मेरे पीछे कोई है, मेरे पीछे कोई है, भाई 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 भाई, और we have won this DutchGP, yes, तो जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें, I can do something जो कि मैंने अभी तक किया ना हो लास्ट पोजीशन से गिरने के बाद, क्योंकि ये मेरा फेवरेट ट्रैक है, और भाई तुम देख सकते हो, तुम देख सकते हो ये चीज, तुम देख सकते हो ये चीज, in addition to the victory his position also earns him 25 priceless championship points, 25 points milte hain first position pe, wo mil chuke hain hame, and here we are, ek khushi ka thikana nahi hai bhai, ye to alag hi cheez hai ye, एंड रेस पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट रेस में मिलते हैं, और रेपिटेशन तुम देख सकते हो, नेक्स्ट रेस में मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं जल्दी।